दोस्तों दोस्तों आज बीएसटीसी का बीएसटीसी राजस्थान रिजल्ट आज घोषित होने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये आज बात पक्की है कि आज घोषित होने वाला है। वैसे ये डेट ऑफिशियली डेट नहीं है कि ये आज ऑफिशियल ये डेट नहीं है, मतलब ये ऑफिशियली ये डेट नहीं है, इसलिए आज घोषित होने की संभावना आज शाम तक घोषित होने हो जाएगा, ये बात पक्की है। और ये डेट सूत्रों के आधार पर बताई जा रही है, इसलिए दोस्तों ये डेट लेकिन आज घोषित हो गई है, ये बात तो पक्की है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, वैसे मैंने दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में मैंने कई बार कहा कि मेरे वीडियो को आप लाइक नहीं, मेरे पिछले वीडियो मैंने बहुत कुछ बताया कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं तो चार लोगों ने सर। अरे भाई क्या चार लोगों से क्या होगा भाई, मेरा वीडियो तो इंसान को देखना चाहिए ना भैया, और लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इतने जितने लोग देख रहे उतने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार, क्या हो रहा है भैया, कुछ तो करो। चलो आज कुछ एक लाइक नहीं कर रहे हो, चलो एक लाइक तो करो, एक लाइक नहीं, एक आप अपना सवाल तो कमेंट करो, अपना सवाल भी कमेंट करो। इसलिए आज मैं बहुत आता हूँ, अगर इस वीडियो में जब कोई लाइक या कमेंट कुछ भी आज नहीं मिला तो मैं कहता हूँ मैं अगली वीडियो में कोई वीडियो में, वैसे मैंने आपको बताया था इसमें अगली नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं आशिक कुमार जी से हम आपकी बात करेंगे, तारक मेहता शो बंद होने वाले उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में, प्रॉपरली स्क्रिप्ट वगैरह पे क्या क्या बात करेंगे हम, तारक मेहता की बात क्यों करेंगे, क्योंकि तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब मेरे को कोई मेरे को मेरे को जब कोई मेरे को पर्सनली ले नहीं रहा तो मैं क्यों वीडियो क्यों बनाऊँ, प्रॉपरली वीडियो क्यों बनाऊँ मैं तारक मेहता के जो मुझे मिलने की कॉन्टेक्ट कोशिश कर रहा हूँ नहीं, आप लोग कुछ कर नहीं कुछ मेरे को सपोर्ट नहीं। चलो आज मैं 5 लाइक लेता हूँ, 5 लाइक, अगर आज 5 लाइक हो गए तो मैं प्रॉपरली कहता हूँ आपको आपसे कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और आप कमेंट जरूर करो, कमेंट तो सबसे बड़ी गलती कमेंट ही करो, मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आप सवाल के जवाब आप कमेंट नहीं कर रहे हो, ये क्या है, क्या ये अच्छी बात है, आप बताओ कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज का सवाल है, 21 जून को भारत के किस जिले में सीधी किरणें पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है भारत के जिले में 21 जून को, बताओ वो कौन सा जिला है और वो जिला कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है, ये अगर आपको बता दिया तो दोस्तों बड़ी बात है। और दोस्तों इस बार जवाब कमेंट जरूर करना, ये जवाब है मैं ये जवाब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है, धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज 5 लाइक, 5 लाइक,